फिल्म की शुरुआत में हमें एक बीमार महिला एवा दिखती है जो अपने बुरे सपनों के बारे में बता रही है। वो बताती है कि बुरे सपने कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, जहाँ भी जाओ वो पीछा करते हैं। उनसे बचने का केवल एक ही रास्ता है कि उन सपनों को अपना लो, एक परिवार की तरह, एक पुराने दोस्त की तरह। वो महिला ऐसा बता ही रही थी कि अचानक वो चीखती है। अगले सीन में हम मैरी को देखते हैं जो कि एवा की बेटी है। उसे खत मिलता है जिसमें लिखा है कि एवा की कब्र को किसी ने तोड़ दिया है और अब मैरी जो कि एवा की बेटी है और एक लौती संबंधी है, उसे उस कब्र को देखने आना होगा। ये चिट्ठी उस कब्रिस्तान के केयरटेकर की थी जहाँ एवा की कब्र थी। इसके बाद मैरी अपने एक दोस्त जॉर्ज के साथ कार में उस जगह जाती है जहाँ एवा की कब्र है। वो दोनों तेज बारिश में एक ब्रिज पर पहुंचते हैं। ब्रिज के दूसरे पार वो द्वीप है। ब्रिज ऑपरेट करने वाला दोनों को बताता है कि ऑफ सीजन है और ये द्वीप अगली गर्मियों तक बंद रहेगा, इसलिए आप लोग लौट जाएं। इस पर मैरी उस ब्रिज ऑपरेटर को वो चिट्ठी दिखाती है और बताती है कि उस द्वीप पे जाना उसके लिए बहुत अर्जेंट है और वहाँ केवल एक दिन रहेगी। वो ब्रिज ऑपरेटर चिट्ठी देखकर दोनों को अंदर जाने देता है। वो दोनों ब्रिज पार करके लोन पाम आइलैंड में एंट्री लेते हैं। जॉर्ज मैरी से पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम था कि ऑफ सीजन में ये द्वीप बंद हो जाता है। इस पर मैरी बोलती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और अगर ब्रिज बंद हो भी जाता है तो हम लोग एक बोट लेकर रिवर पार कर लेंगे और वापस आ जाएंगे। इसके बाद दोनों कब्रिस्तान पहुंचते हैं। मैरी देखती है कि उसकी माँ की कब्र टूटी हुई है। जॉर्ज कब्रिस्तान के केयरटेकर को ढूंढने जाता है। कुछ देर बाद मैरी जॉर्ज को ढूंढने निकलती है। सारा वातावरण भूतिया है। मैरी को कब्रिस्तान में एक बूढ़ी औरत मिलती है। मैरी उस बूढ़ी से केयरटेकर के बारे में पूछती है। बूढ़ी महिला बताती है कि उसका नाम माइली है और उसकी फूलों की दुकान है और फिर वो चुप होकर खड़ी हो जाती है जैसे कि वो सम्मोहित हो गई हो। उसके बाद अचानक वो होश में आती है और बताती है कि उसने एक आदमी को देखा था। और उसके बाद वो गायब हो जाती है। इसके बाद मैरी को जॉर्ज दिखता है। वो उसका पीछा करते हुए समुद्र किनारे पहुंच जाती है। जॉर्ज दूर किनारे पे चला जा रहा है। मैरी उसे आवाज लगाती है पर जॉर्ज बस चले ही जा रहा था। मैरी जॉर्ज के पीछे पीछे एक जंगल में पहुंचती है। जंगल भयावह सन्नाटे और धुंधली धुंध से भरा था। अचानक मैरी वहाँ सफेद आंख वाले लोगों को देखती है और डर कर वहाँ से भागती है। मैरी को जॉर्ज मिलता है। जॉर्ज पूछता है कि वो मैरी को लगातार आवाज लगा रहा था पर मैरी तो बस गुमसुम चले ही जा रही थी। मैरी से बोलती है कि उसने पेड़ों के बीच लोगों को देखा पर जॉर्ज बताता है कि उसने तो किसी को नहीं देखा, उल्टा मैरी ही कब्रिस्तान से निकलकर जंगल में घुस गई और वो बस आवाज लगाता रह गया। जॉर्ज बोलता है कि उसे केयरटेकर कहीं नहीं मिला बल्कि उसने केयरटेकर के ऑफिस में ये पढ़ा कि ब्रिज आजाद ऊपर उठा दिया जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। पर मैरी कब्र के केयरटेकर से मिले बिना नहीं जाना चाहती। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ कुछ लोग शराब पी रहे हैं और नाच रहे हैं। सब लोग मैरी और जॉर्ज को देखकर रुक जाते हैं। जॉर्ज वहाँ के बारटेंडर से केयरटेकर को ढूंढने में मदद मांगता है और उसके साथ चला जाता है। तब अकेली मैरी के पास हेनरी आता है जो बताता है कि इस द्वीप पर वो ही अकेला है जो जिंदा है और अगर तुम ब्रिज पार नहीं कर पाई तो मेरे पास आना, मेरे पास बोट भी है और मेरे घर की लाइट ऑन ही रहेगी और घर की चाबी पायदान के नीचे है। हेनरी ये सब बोल ही रहा था कि रेस्टोरेंट के बाकी लोग हेनरी को आगे कुछ भी बोलने से मना कर देते हैं। तब जॉर्ज आ जाता है और बताता है कि केयरटेकर से संपर्क नहीं हो पाया। यह सुनकर सभी लोग क्रीपी ढंग से हंसने लगते हैं। उनमें केवल हेनरी ही था जो नहीं हंसता। वो दोनों रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। गाड़ी में मैरी जॉर्ज को बताती कि उसकी मॉम एवा यहाँ कभी नहीं आना चाहती थी, मरने के बाद भी नहीं। उसकी मॉम बताती थी कि कई दशकों पहले एक तूफान आया था जिसमें इस द्वीप के लोग मरने लगे और ये द्वीप डूबने लगा। तब एक आदमी समुद्र निकला और उसने द्वीप के लोगों से एक डील की कि वो तूफान को थाम देगा, द्वीप की रक्षा करेगा और उनके मरने के बाद उन्हें अमरता देगा, मृत्यु से मोक्ष देगा। द्वीप वालों ने वो दिन मान ली। मेरी मॉम का परिवार भी उन लोगों में से एक था, लेकिन जब वो मरी उन्होंने जाने क्यों अपनी वसीयत में लिखा कि वो यहाँ इस द्वीप पर दफन होना चाहती है और अब उनकी कब्र का टूटना, मुझे यहाँ बुलाना, ये जरूर कोई ट्रैप है मुझे फंसाने के लिए। ये सब बातें सुनकर जॉर्ज काफी नाराज हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि एवा अपने आखिरी दिनों में मानसिक रूप से बीमार थी और बेतुकी बातें करती थी और अब मैरी उन बकवास पे विश्वास कर रही है। मैरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जॉर्ज के साथ उस द्वीप से निकलने की बात मान जाती है। दोनों कार में बैठते हैं।
पर रास्ते में एक पेड़ कटा मिलता है। इस पर जॉर्ज कार को एक दूसरे रास्ते पर ले जाता है, पर वो रास्ता भी बंद था। जब वो कार वापस लेते हैं तो वहाँ भी रास्ता बंद हो जाता है। इसके बाद जॉर्ज दूसरा रास्ता लेता है, पर अचानक किसी के सामने आ जाने पर जॉर्ज कार को एक पेड़ में ठोक देता है। अगली सुबह मैरी होश में आती है, कार में जॉर्ज नहीं है। मैरी कार से निकलती है तो उसे ब्रिज के खुलने की आवाज आती है। मैरी ब्रिज की तरफ भागती है। ब्रिज अब खुल चुका है। मैरी अब इस टापू पर फंस गई है। मैरी वापिस द्वीप पर लौट आती है, पर अब पूरा द्वीप अचानक सुनसान हो चुका है। ठंडी तेज हवाओं और धुंध के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। अब बारिश शुरू हो चुकी है। मैरी एक फोन बूथ पर जाती है, पर वहाँ की सभी लाइनें डेड। मैरी काफी निराश होती है और वहीं एक कॉरिडोर में खड़ी हो जाती है और अपनी माँ की बातों को याद करती है। वो याद करती है कि बीमारी के दिनों में मैरी और एवा के बीच अक्सर बहस होने लग जाती थी, क्योंकि मैरी को लगता था कि एवा सिर्फ ना ही पागल होने की एक्टिंग कर रही है, बल्कि द्वीप के बारे में जो कुछ भी बताती थी वो सिर्फ झूठ था। हम देखते कि मैरी तूफान रुकने का इंतजार कर रही है, तभी उसे कब्रिस्तान वाली आंटी याद आती है। मैरी उस बूढ़ी औरत की दुकान पर जाती है और मदद मांगती है, पर पूरी पुरानी दुकान खाली है। मैरी पूरी दुकान में माइली को ढूंढती है, पर वहाँ कोई नहीं है। Hello? मैरी को वहाँ पुरानी किताब मिलती है जिसमें न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसके बाद मैरी को माइली मिल जाती है। माइली एक कमरे में खड़ी है और उसकी आंखें सफेद हैं। मैरी उससे मदद मांगती है और सबके बारे में पूछती है, पर माइली सिर्फ खड़ी रहती है। हम देखते हैं कि द्वीप पर तूफान और गहरा रहा है और मैरी रोड पर दौड़ रही है। मैरी उसी रेस्टोरेंट पर जाती है जहां वो पहले जॉर्ज के साथ आई थी। मैरी देखती है कि सभी लोग पुतलों के जैसे खड़े हैं, जैसे समय थम गया हो। तभी पीछे से सफेद आंखों वाले लोग मैरी को पकड़ लेते हैं। वो हर जगह है। मैरी रेस्टोरेंट से भागती है और पेड़ों में छिप जाती है। उसे वहाँ हेनरी मिलता है। हेनरी मैरी को अपने साथ छिप छिप कर अपने घर ले जाता है। हेनरी बताता है कि पूरा द्वीप और यहाँ के लोग सब शापित हैं। तुम्हारी मॉम भी शापित है और इसीलिए एवा को यहाँ वापस लाया गया है, क्योंकि उसे एक कर्ज चुकाना है। हेनरी बताता है कि वो भी उन सभी लोगों में से एक है, लेकिन हर साल केवल एक आदमी जागता है और पूरा द्वीप थम जाता है। और इस साल मैंने जागने का फैसला किया है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम्हारी मॉम ने मेरे बारे में बताया होगा, पर मैरी मना कर देती है। हेनरी और मैरी हेनरी के घर में घुसते हैं। हेनरी के कहने पर मैरी बोट की चाबी ढूंढ लेती है। वो लोग निकल ही रहे होते हैं कि हेनरी को अपने घर में किसी के चलने की आवाज आती है। हेनरी ऊपर देखने जाता है और मैरी उसका नीचे इंतजार करती है। मैरी कुछ देर बाद हेनरी को आवाज लगाती है, पर हेनरी कोई आवाज नहीं देता। अब मैरी खुद ऊपर जाकर हैरी को ढूंढती है, पर ऊपर हेनरी नहीं है। मैरी एक कमरे में घुसती है, वहाँ उसे एक रेडियो की आवाज आती है। रेडियो पर जॉर्ज है। जॉर्ज मैरी को बताता है कि वो ब्रिज पर है और वो मैरी को भी वहीं बुलाता है। तब मैरी किसी के चलने की आवाज सुनती है, इससे डर कर वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। उस रूम में उसे हेनरी मिलता है, पर उसके ऊपर बहुत सारी समुद्री घास लिपटी है जो हेनरी को मार रही है और हेनरी बुरी तरह से तड़प रहा है। हेनरी उठकर मैरी के पास आता है और मैरी हेनरी पर फ्लेम ब्लोअर जलाकर आग लगा देती है और उस घर से भाग जाती है। मैरी अंधेरी रात में शहर के बीचों बीच है। मैरी हथियारों की एक दुकान में चोरी कर एक बंदूक लूट लेती है।
और बंदूक के साथ ब्रिज पर पहुंचती है। ब्रिज पर जॉर्ज खड़ा है। जॉर्ज बोलता है कि हम ये द्वीप छोड़ के नहीं जा सकते, ये जगह हमेशा रहने के लिए बढ़िया है। अचानक जॉर्ज की आवाज भूतिया हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि जॉर्ज एक्सीडेंट में ही मर चुका था और उसके अंदर अब डीमन है। डीमन बोलता है कि यहाँ के लोग उसकी उंगलियाँ हैं और ये जगह उसकी हथेली है। वे लोग सदा सदा के लिए मेरे हैं, उनकी जिंदगी उनकी मर्जी है लेकिन उनकी मौत मेरी मर्जी। और मैरी भी डीमन की है और जॉर्ज मैरी की तरफ बढ़ता है पर मैरी जॉर्ज को गोली मार देती है और जॉर्ज वहीं गिर जाता है। मैरी जॉर्ज की मौत पर और अपने हालातों पर रोने लगती है। इसके बाद मैरी गोली मार कर ब्रिज ऑपरेटर का रूम खोल लेती है और ब्रिज ऑपरेशन ट्रेनिंग का वीडियो टीवी पर लाकर ब्रिज ऑपरेट करती है। और ब्रिज को खोल लेती है। ब्रिज धीरे धीरे खुल रहा है। मैरी ब्रिज के ऊपर दौड़कर वहां से निकलती है। ब्रिज के पार वही बूढ़ा दिखता है जो ब्रिज की रखवाली करता है। वो बताता है कि उस बूढ़े की जिम्मेदारी है कि कोई भी इस द्वीप को छोड़कर ना जाए और ऑफ सीजन में कोई भी बाहर से अंदर ना आए। इसके बदले में डीमन उसको मरने के बाद मोक्ष देगा। मैरी बूढ़े से बोलती है कि मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, ये जगह एक कैद है, अनंत कैद, जिससे मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। उसने अंदर सब अपनी आंखों से देखा है पर वो बूढ़ा मैरी की बात नहीं मानता। बूढ़ा कहता है कि मैरी की माँ एवा को यहाँ से नहीं जाना चाहिए था और एवा को वापस लाने वाला तुम्हें यहाँ वापस लाने वाला डीमन ही है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ डीमन का हक है। और मैरी को वापस द्वीप पर ले आता है। वो बूढ़ा मैरी को वापस कब्रिस्तान में छोड़ देता है। मैरी कब्रिस्तान में अंदर आती है और देखते कि उसकी माँ की कब्र खुली हुई है। तभी उसके पीछे उसे अपनी मॉम दिखती है। मैरी काफी डर जाती है। मैरी अपनी मॉम को देखकर रोने लगती है। उसे लगता है कि ये सब एक बुरा सपना है। इसके बाद एवा वहाँ से भागने लगती है और मैरी उसका पीछा करती है। एवा समुद्र किनारे आकर खड़ी हो जाती है और मैरी पहली बार डीमन की छवि आसमान में देखती है। वो डीमन एवा को वापस समुद्र में खींच लेता है। मैरी चिल्ला कर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद मैरी को समझ में आ जाता है कि उसकी माँ पागल नहीं थी, उसके बुरे सपने केवल सपने नहीं थे बल्कि हकीकत थी। वो डीमन वाली कहानियाँ सच थी। और इसके बाद हम मैरी की आंखें भी सफेद हुई पाते हैं, यानी कि अब मैरी भी द्वीप के लोगों में से एक हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी अपनी माँ एवा के पास लेटी है। एवा मैरी को बताती कि उसका एक बड़ा भाई भी था पर वो एक दिन कहीं चला गया। गांव वाले बताते हैं कि वो डूब गया था जबकि वो एक बेहतरीन तैराक था। पूरे गाँव में वही था जिसके पास बोट थी। और हम देख पाते हैं कि एवा का बड़ा भाई कोई और नहीं बल्कि हेनरी था। और हेनरी जानता था कि डीमन मैरी को भी वापस द्वीप पर लाएगा, इसलिए वो मैरी की मदद कर रहा था। एवा बताती कि एक दिन उसने अपने मरे भाई को देखा और वो तब समझ गई कि यहाँ द्वीप पर रहना अब ठीक नहीं, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। और एवा अब मरने के बाद भी उस द्वीप पर नहीं जाना चाहती। अगले सीन में हम देखते कि मैरी एक फूलों की दुकान पे काम करती है। वहाँ एक टूरिस्ट कपल है जो अभी तक गए नहीं है। वो जाने से पहले तोहफे के रूप में फूल खरीदना चाहते हैं। कपल में से महिला बोलती कि द्वीप इतना सुंदर है कि उसका मन करता है कि वो यहीं रह जाए। इस पर मैरी महिला को ऐसा बोलने से मना करती है और फूलों का गुलदस्ता देकर उसे ब्रिज बंद होने से पहले जाने को कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी उसी फूलों की दुकान में काम करती है जहां बूढ़ी माली काम करती है और हम बूढ़ी माली को अंदर कमरे में एक टक खड़ा देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि मैरी अब अनंत काल तक इसी द्वीप पर ऐसे ही रहेगी और वो टूरिस्ट कपल को यहां से जाने को बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई और यहां कैद हो जाए। और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।